पीपीगंज नगर पंचायत के किस्तू राजा पब्लिक स्कूल के सामने मंगलवार देर शाम सड़क पर टहल रहे युवक को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके वारदात से एक पिस्टल और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें, पीपीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी दीपचंद्र अग्रहरी का 22 वर्षीय बेटा संदीप अग्रहरी मंगलवार की शाम करीब 6:30 बजे घर के आगे किस्तू राजा पब्लिक स्कूल के सामने सड़क पर टहलते हुए मोबाइल से किसी से बात कर रहा था। उसी दौरान पीपीगंज कस्बे की तरफ से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने संदीप अग्रहरी से मारपीट की और फिर एक ने गोली मार दी। बदमाशों ने संदीप के सिर और हाथ में दो गोली मारी है। गोली से घायल संदीप के परिवारजनों ने पीपीगंज स्थित निजी अस्पताल में ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिर वहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं गोली मारने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके पर एक पिस्टल और एक मोबाइल बरामद किया है। घटना के बाद लोगों का कहना है कि जिस तरह से विवाद हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हमलावर युवक के पूर्व परिचित थे। पीपीगंज पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की जांच कर बदमाशों की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की पहचान के साथ ही घायल युवक के होश में आने के बाद हमले की वजह सामने आएगी। संदीप के पिता बक्सा बेचने व गैस चूल्हा बनाने का व्यवसाय करते थे। संदीप भी व्यवसाय में पिता का हाथ बंटवाता था। संदीप जिस समय फोन पर बात कर रहा था, उसी समय हमलावर आए हैं। लिहाजा कॉल डिटेल के जरिए पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि वह आखिरी बार किससे बात कर रहा था। बात करने वाले का किसी तरह से बदमाशों का लिंक तो नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया। तौहीद है और मैं संदीप भैया के पड़ोसी हैं जिनको गोली लगा है जी। तो वो जब उनको गोली लगाए तो हम लोग को लगा कि पटाखा जल रहा है, तो बच्चे चिल्लाए कि गोली चला है, भैया भैया गोली, कोई किसी ने गोली मारा है। छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम गए वहाँ पे दौड़ते, हम लोग कुछ लोग थे, दौड़ते गए तब तक कि वो लोग फरार हो गए थे। अच्छा। उसके बाद हम लोग देखे तड़पड़ा रहे थे, उसके बाद तुरंत मतलब वहीं पे हथियार भी गिरा था जिससे सब लोग वार किए थे। तो फिर वहाँ से हम लोग किसी को टच नहीं करने दिया, हथियार को कोई टच मत करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग उनको, कोई गाड़ी वगैरह नहीं था तो तुरंत ठेले पे ला दे और अस्पताल में ले गए, तो वो लोग बोले कि आप जिले अस्पताल में एम्बुलेंस में वही, वो वहीं के एक हैं तो उनकी जो बेटी थी वहीं जो उनका घर है जी। तो वो तुरंत बोली कि हम एस एस आपको फ़ोन किए हैं, फिर वो आए सर लोग आए, उसके बाद फिर हम लोग घर पे आए उनको लेके, वो लोग चले गए। ये जो घटना है ये पीपीगंज कस्बे की है, वार्ड नंबर 11 की। यहाँ शाम को 7 बजे एक युवक की हाथ में और पेट में दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी है, और उसको जो युवक है जिसका नाम संदीप अग्रहरी है, उसको पहले जिला अस्पताल भेजा गया, वहां से उसको लखनऊ रेफर किया गया। बाकी जो अज्ञात बाइक सवार थे उनकी तलाश की जा रही है।